क्या आप मानेंगे कि पेप्सी ने एक देश में तकरीबन दंगों जैसी हालत करवा दी थी? जी हाँ, 1992 में फिलीपींस में पेप्सी ने एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया जिसका नाम था नंबर फीवर। अब आइडिया बिल्कुल सिंपल था कि पेप्सी की बॉटल्स के ढक्कन के पीछे 3 डिजिट का एक नंबर प्रिंट किया जाएगा, जिनमें से एक लकी नंबर जिसको मिल गया उसको मिलेंगे 14 लाख रुपए। और ये पक्का था कि वो नंबर 349 नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर 8 लाख ढक्कनों के पीछे छप चुका था। महीनों की प्रमोशन के बाद जब विनिंग नंबर अनाउंस किया गया, तब पेप्सी की फूटी किस्मत के कंप्यूटर एरर की वजह से वो नंबर अनाउंस हो गया 349। जीत की खुशी में हजारों लोग पेप्सी के दफ्तर अपने 14 लाख रुपए लेने पहुंच गए, मगर पेप्सी इतने लोगों को पैसा कहां देने वाली थी। पेप्सी ने होशियारी करके अगले दिन अनाउंस करवाया कि जी विनिंग नंबर तो असल में 134 है, मगर इस पे लोगों की सटक गई। अंत में हुआ यह कि पेप्सी के गोदामों और ट्रकों पर बम मारे गए, दंगों जैसा माहौल हो गया, प्रोटेस्ट हो गए, कम से कम 5 लोगों की सब में मौत हो गई। एंड में पेप्सी ने कई लाख लोगों को तो 1200-1500 रुपए देकर टकराया। कई कोर्ट चले गए तो उन्हें 30-40 हजार मिल गए, कई तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए जहां पे जज ने कहा कि बस बहुत हो गया ये केस, किसी को कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे और ये केस निपटा दिया।